हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 मनी। तो लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, अब चैप्टर 10 मेजरमेंट का। नाउ आज हम पढ़ेंगे मनी, स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न द मनी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी और मेटल कॉइन्स। मनी हमें पेपर करेंसी में दी होती है या मेटल कॉइन्स में। सो इस चैप्टर में वी विल लर्न यूनिटरी मेथड एंड द प्रॉफिट एंड लॉस। वी ऑलरेडी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपी में 100 पैसा होता है। तो ये आपकी फर्स्ट, पहले रिविजन कर लेते हैं थोड़ी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप 4th क्लास में। सो कन्वर्जन है पैसे टू रुपीज़। तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो वी डिवाइड इट बाय 100 से डिवाइड करते हैं। सो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू रुपीज़। सो 5 पैसा, सो 5 पैसे को क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय 100, ये क्या गया रुपीज़ में। सो 5 को जब 100 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0.05। तो 2 डिजिट बाद डेसिमल हमने लगाया, 0.05 रुपीज़। ऐसी बाकी भी 38 पैसा, 38 को डिवाइड किया 100 से, तो 0.38 रुपीज़। अभी लास्ट इसमें दिया 7 रुपी 25 पैसा। तो 7 रुपी को पहले हमने 7 ऑलरेडी रुपीज़ में है, 25 पैसा को कन्वर्ट किया, 7 प्लस 25 बाय 100। तो ये 25 बाय 100 क्या गया, 0.25। 7 प्लस 0.25 इज 7.25 रुपीज़। ठीक है, पैसे इज ऑलवेज रिटन इन 2 डिजिट। पैसे को हम हमेशा 2 डिजिट में ही लिखते हैं। अब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। एडिशन, ये ऐड दे रखा है, एग्जांपल ऐड 17 रुपीज़ 35 पैसा एंड 10 रुपीज़ 60 पैसा। तो 17 रुपीज़ को क्या, 35 पैसे को क्या लिखेंगे, 17.35। तो ये डेसिमल आएगा यहाँ पे, जब हम पैसा से लिखते हैं, पैसे से पहले रुपीज़ के बीच में हम क्या लगाते हैं, डेसिमल। 17.35 रुपीज़ एंड 10.60 रुपीज़। तो 17 प्लस 10, और ये रुपीज़ के नीचे हम रुपीज़ लिखेंगे, डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, देन पैसे के नीचे पैसा। सो 5 0 5 3 प्लस 6 9, देन 7, देन 1 प्लस 1 2। तो टोटल या 27.95 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करना हमने। तो ये 335 रुपीज़ है एंड 78.55 पैसा। तो हम यहाँ पे 335.00 पैसा इसमें कोई भी नहीं है, तो क्या आएगा, 0। एंड नेक्स्ट क्या, माइनस 78 रुपीज़ पॉइंट कितना पैसा है, 55 पैसा। तो ये माइनस करेंगे, कैरी किया हमने 10 10 माइनस 5 5, यहाँ पे क्या हो रहा, 9 9 माइनस 5 4, यानी यहाँ पे, यहाँ से हमने कैरी किया था 1, तो यहाँ बचा 4 14 माइनस 8 6। फिर यहाँ पे क्या बचा, कैरी किया था 1, तो 2 12 माइनस 7 इज़ 5। तो यहाँ से फिर 1 कैरी किया था, तो वहाँ पे बचा 2। तो सब्ट्रैक्ट आपको आता है, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे बचा हमारा 256 रुपीज़ 45 पैसा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इसकी सिंपल है आपको। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये भी आप कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्या, इसका एग्जांपल दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर पॉट इज 136 रुपीज़ 75 पैसा। सो यहाँ पे हमें रुपीज़ नहीं दे रखा है, यहाँ पे रुपीज़ ऐड कर लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच फ्लावर पॉट्स। हमें एक फ्लावर पॉट की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 136 रुपीज़ 75 पैसा। तो 8 फ्लावर पॉट्स की कितनी हो जाएगी, जब 1 की हमें प्राइस दी गई है तो ज़्यादा की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करना है हमने। कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर पॉट इज़ 136.75। कॉस्ट ऑफ 8 फ्लावर पॉट्स इज़ 136.75 माइनस और मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आया, 1094 रुपीज़। के नेक्स्ट है, अब 6 पेंस कॉस्ट ₹75, यहाँ पे रुपीज़ ऐड कर लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब हमें कितनी दे रखी है, 6 पेन की कॉस्ट दे रखी है, तो हमें 1 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे।
75 डिवाइड बाय कितने पेंस है, 6 पेंस है, तो हम 75 को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे किया हुआ है। सो क्या है हमारा आंसर इसमें, 12.50। तो यहाँ पे आया हमारा 12.50 कॉस्ट ऑफ वन पेन। ठीक है, अभी ऐसी सिंपल इसमें रिवीजन एक्सरसाइज आपकी सारी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 11.1 में। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नोटेशन, डेसिमल में हमने लिखना है। तो ये सारे पी मतलब पैसा दे रखे हैं, सो इसका पैसे को जब कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड बाय 100, 0.45 पैसा। ऐसे ही इसका 0.09 रुपीज़ है, रुपीज़ में आएगा आंसर हमेशा, जब पैसे को हमने कन्वर्ट में किया डेसिमल लिखा तो 0.09 रुपीज़ हो जाएगा, ये भी रुपीज़। अब 356 है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना रुपीज़, 3 रुपीज़ 56 पैसे, यानी 3.56 हमें डेसिमल में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 3.56। अब ये एडिशन है, नेक्स्ट एडिशन के है, ये रुपीज़ है 32.75 एंड 14.36। ठीक है, ये भी सारे आपने अभी हमने पढ़े थे, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, पैसे के नीचे पैसा, पॉइंट में लिखेंगे 32.75 प्लस 14.36। तो ये ऐड करेंगे, ऐड चारों पार्ट्स दे रखे हैं इसके क्वेश्चन के, तो ये चारों आपने करने हैं। सब्ट्रैक्ट है नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट भी ऐसी सेम करेंगे, 9.12 फ्रॉम 16.10, तो 16 पहले लिखेंगे 16.10 माइनस 9.12 पैसा। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है। नेक्स्ट दे रखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का है, ये दोनों भी आप खुद कर सकते हैं, अपने करे हुए आपको ऑलरेडी आते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। नेक्स्ट देर का, ये 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट रुपीज़ 36.75 रुपीज़, हाउ मच डज 19 मीटर क्लॉथ कॉस्ट। सो एक क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है हमें, 19 मीटर क्लॉथ की निकालनी है, 1 मीटर की इतनी है, तो 19 की कितनी हो जाएगी, दिस मल्टीप्लाई बाय 19। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, अ पेन सेट कॉस्ट ₹115.30, हाउ मच डज अ डजन ऑफ पेन सेट कॉस्ट। एक पेन सेट की कॉस्ट दे रखी है हमें, हमें डजन की, डजन में कितने होते हैं, 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 12 पेन सेट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इस हमें 115.30 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, तो 12 सेट पेन सेट्स की कॉस्ट हमें आ जाएगी, ये दोनों में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है 8th, रोहित अर्न्स दिस मच रुपीज़ इन अ मंथ, यानी 30 डेज में वो कितना अर्न करता है, 33,956.22 रुपीज़, हाउ मच डज ही अर्न इन अ डे। 30 डेज में हमें दे रखा है कि इतना अर्न करता है, तो एक दिन में कितना हो गया, इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 30 से, तो टोटल 30 डेज है, तो 33,956.22 डिवाइड बाय 30, तुम्हारे 1 डे की अर्निंग आ जाएगी रोहित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बेडशीट्स कॉस्ट रुपीज़ दिस, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बेडशीट। सिंपल है भी, 5 बेडशीट की कॉस्ट दे रखी है आपको, 1 की निकालनी है, तो टोटल इसमें से डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1,253.75 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी आप ऑलरेडी रिवीजन एक्सरसाइज थी आपकी 11.1, तो ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे इसको और ध्यान से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।